एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक रेसिपी के साथ। तो आज की रेसिपी है बुआल माछर पातोड़ी। पातोड़ी वैसे सभी बनाते हैं, पर मैं किस तरह से बनाती हूँ वही मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो पातोड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बनाना लीक, काला पाता, उसमें दोनों साइड से आपको सरसों का तेल लगा लेना है, फिर उसको टोस्टर के सहारे इस तरह से सेक लेना है। हाथ बिल्कुल ना लगाए, टोस्टर ही ले, वो टोस्टर से ही करें। उसके बाद आते हैं दूसरे पार्ट में। अब यहाँ जो बुआल मांस के पीसेस उसे ले लेंगे, फिर इसमें डालेंगे सरसों का पेस्ट। यहाँ मैंने पेस्ट में ले लिया है काली और सफ़ेद सरसों, साथ में हरे मिर्च और थोड़े से नमक डालकर इसको अच्छे से हमने पेस्ट बना लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं धनिया पत्ता और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप ये ऑप्शनल है, मैंने इसे सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला है। अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पर सरसों का तेल और थोड़े से नमक डालूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से ही मिक्स करना है, कोई चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना है, हाथों के सहारे ही इसे अच्छे से मिक्स करें। और ये थोड़े से पानी यहाँ मैं डाल रही हूँ। चम्मच से अगर मिक्स करते हैं ना तो अच्छे से मिक्स नहीं होती है, इसीलिए हाथों से ही अच्छे से मिक्स करें इस तरह से। और जिनकी हाथों में प्रॉब्लम है कि मिर्च लगने से जल जाती है हाथ, तो उनके लिए भी अब चम्मच ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो हमने पत्ते को सेक कर रखी थी, उस पत्ते पर इस तरह से हमने थोड़े से मसाले फैला लिया है। उसके बाद मच्छी के पीस को रखना है उस मसाले के ऊपर, फिर उस मच्छी के ऊपर थोड़े से मसाले और रख देना है। उसके बाद इसे अच्छे से बंद करना है। किस तरह से बंद करेंगे ये देखते हैं। इस तरह से ही बिल्कुल ही पेशेंस के साथ इस काम को करना है, बड़े ही प्यार से धीरे धीरे करके इस काम को करें। इसे अगर हम हरवरी में करेंगे ना तो बाद में जाकर ये जब हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे तो ये सारे के सारे मसाले बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए इस काम को बड़े ही प्यार से करें, इस तरह से सोडा के सहारे इसे गांठ लगा दे, अच्छे से गांठ लगा दे और इसी तरह से बाकी को बना लेंगे। और अभी मैं यहाँ बिठा रही हूँ कढ़ाई। अब कढ़ाई में थोड़े से सरसों का तेल डालूंगी और गर्म होने के लिए रख दूंगी। गर्म होने के बाद अच्छे से फैला ले। फैला लेने के बाद जो पोटली हमने बनाई थी पत्तों से, उन पोटलियों को यहाँ एक एक करके रख देंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब 10 मिनट के बाद देखिए इसको उल्टा कर देना है। अब दूसरे साइड से भी इसे हम 10 मिनट के लिए होने के लिए रख देंगे और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसे रखना है। कलर भी चेंज हो गई है। अब इसे और 10 मिनट के लिए ढककर हम रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। टोटल इसको टाइम लगता है 20 मिनट के करीब। 10 मिनट के बाद दूसरी साइड भी हो गई है, निकालेंगे। जो हमने गांठ लगाई थी उसे हम खोलेंगे और दिखाते हैं आप सबको कि पातोड़ी बन जाने के बाद किस तरह से दिखती है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है पातोड़ी, बिल्कुल ही जम गया है मसाला और ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस। इसे ज़रूर ट्राई करिए अपने घर पे। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं भी लगी है ना तो डिसलाइक करके जाइएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।